नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया अधिकारी। आज हम आपको एक खास शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो है बिहार से समाज सेवी अजय कुमार। अजय कुमार जी ने जन स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए मुहिम चलाई है। अजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो ये मुहिम आप चला रहे हैं, जो कि जन स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का रूप देने के लिए ये मुहिम है, ये आपने कब से शुरू की थी और साथ ही साथ आपने ये मुहिम के बारे में कैसे सोचा, क्यों इसे शुरू किया? स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने की लड़ाई हम करीब 10 साल से ज्यादा से पहले शुरू की है। और चूंकि मेरा जन्म भी गाँव में हुआ और उस समय स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, और इसको तेजी लाने का संकल्प मैंने तब लिया जब एक महिला जिनका हार्ट का प्रॉब्लम था उनको एम्स में दिखाने गई और 2014 में उनको 2021 का समय दिया। और ये तब हुआ जब देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी ने एम्स के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखा था और उसके लिखने के बाद भी उनको ये समय मिला। तो हमारे थोड़े जानकार थे तो उन्होंने अप्रोच किया, बाद में बात करके उनका कराया गया। तब से मैंने देखा कि जन स्वास्थ्य को लेकर के लोगों में काफ़ी दिक्कत है और उनका प्रॉपर इलाज होने में परेशानी आ रही है। तब से मैंने संकल्प लिया कि जन स्वास्थ्य मौलिक अधिकार बने। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है अजय जी कि आपकी जो ये मुहिम है, इस मुहिम में क्या किसी भी पूर्व सांसद या अगर मंत्री की बात की जाए तो किसी भी मंत्री ने आपकी इस मुहिम के बारे में सुनकर क्या रिस्पांस दिया? क्या उन्होंने आपका साथ दिया या जो भी आपने उनसे कभी मदद मांगी तो क्या उन्होंने आपकी मदद की? हाँ, पिछला करीब 6-7 साल से कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन के सांसदों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सिटिंग एमपी से मैंने संपर्क किया और उसका परिणाम यह हुआ कि 60 से अधिक लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री को इस पर चिट्ठी लिखा और लिखने के बाद सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। आगे आने वाले दिनों में जन स्वास्थ्य भी मौलिक अधिकार का दर्जा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो मतलब उनका रिस्पांस कुल मिला के आपके लिए, मतलब इस मुहिम के साथ अच्छा रहा काफी? हाँ, अच्छा रहा। और मंत्रालय भी 2016 में मंत्रालय का भी रुख समय के साथ साथ बदलते गया और सरकार का सकारात्मक रवैया उसमें आते रहा। जैसे 2016 के 28 मार्च को मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी आई थी हमारे पिटीशन पे, तो उन्होंने लिखा कि राइट टू हेल्थ केयर कवर्स अवॉइड कन्वास इनकम्पासिंग इश्यूज ऑफ प्रिवेंटिव क्यूरेटिव रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी एंड हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी इशूज आर एक्सटेंड बियॉन्ड हेल्थ सेक्टर टू पॉवर्टी इक्विटी लिटरेसी सैनिटेशन न्यूट्रिशन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा। तो ये 2016 का था। इसमें बताया गया कि स्वास्थ्य की सुविधा की बात आप कर रहे हैं लेकिन इसका जो स्कोप है वो केवल हेल्थ सेक्टर से न हो करके इससे बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी हुआ, फिर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन न्यूट्रिशन ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई है। ये 2016 का था। बाद में सरकार ने निरंतर प्रयासों के बाद सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाया और अभी 28 अगस्त को सरकार ने 15,700 नए MBBS के सीट्स बढ़ाए, जिसमें 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अभी भारत की सरकार ने 15th फाइनेंस कमीशन का गठन किया और उस फाइनेंस कमीशन ने एक एक्सपर्ट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया, जिसका रिकमेंडेशन अभी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2 सितंबर का रिपोर्ट है, जिसमें ये आया कि कमीशन को ये रिकमेंड किया है कि हेल्थ इशू को स्टेट सब्जेक्ट से निकाल करके कंकरेंट लिस्ट में लाया जाए। अभी हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट में डाला जाए और सरकार इसको डाल करके राइट टू हेल्थ इसको डिक्लेयर किया जाए फंडामेंटल राइट के रूप में। और ये 2022 तक जब 75वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई जाए तो इस समय हो। इससे पहले हम लोगों ने 8 जुलाई को केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से मिले थे
और मंत्रालय ने उस समय 8 जुलाई का एक करेस्पोंडेंस हमारे पास आया जिसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीमेंटल एश्योरेंस बेस्ड अप्रोच विथ एश्योर्ड फंडिंग टू हेल्थ टू क्रिएट एंड इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर रियलाइजिंग हेल्थ एज ए राइट इन द फ्यूचर। मंत्रालय का एक कहना था कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जिससे भविष्य में लोगों को एक अनुभव हो कि स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार बन गया। ऐसा तो सरकार के रुख में पिछले वर्षों में काफी परिवर्तन आया और निश्चित रूप से जन स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार बनेगा। अजय जी, आपकी मुहिम की अगर बात की जाए, जो कि जन स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार देने की जो ये मुहिम है, इसके लिए क्या आप अभी कभी भी प्रधानमंत्री दफ्तर में गए तो वहां से आपको क्या रिस्पांस मिला है? क्या उन्होंने मदद की आपकी? नहीं, प्रधानमंत्री जी के यहाँ लगातार संपर्क में थे और उन्होंने वहाँ से भी इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का ऐसा था। और खास करके चूंकि विषय ये स्वास्थ्य मंत्रालय का है तो हम लोग ज़्यादा स्वास्थ्य मंत्रालय से संबद्ध रहे और उनसे संपर्क में रहे। प्रधानमंत्री जी के यहाँ कई मानसिक स्वास्थ्य बना तो उनको बधाई दिया और इशू जो स्वास्थ्य क्षेत्र में है उनकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। बट अल्टीमेटली जो नोडल मिनिस्ट्री इसका स्वास्थ्य मंत्रालय है तो इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कोई इस तरह का खास रोल नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री का रोल है, तो हम लोग वहां पर ज्यादा संपर्क में रहते हैं। जी अजय जी, अगर निजी अस्पतालों की बात की जाए तो निजी अस्पतालों में काफी फैसिलिटीज होती हैं, और वहीं अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो फैसिलिटीज के मामले में सरकारी अस्पताल कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं, और वहीं विदेशों में देखा जाए तो फैसिलिटीज दोनों ही जगहों पर भरपूर होती है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि जो ये फैसिलिटीज है ये किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है या क्यों ऐसा होता है कि ये फैसिलिटीज कम होती है? मैडम, इसमें मैं आपको एक तरफ ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। देखिए, हम निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को अलग अलग करके नहीं देख सकते। आप देखिए टेलीकॉम क्षेत्र में कितना रेवोल्यूशन आया और इस किसके चलते आया, ये निजी क्षेत्र का देश के विकास में काफ़ी योगदान है, हम ऐसे नहीं कर सकते। और हेल्थ सेक्टर में भी निजी क्षेत्र के जो हॉस्पिटल्स है उनका भी योगदान है। अब कभी कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है कि सामान्य आदमियों के रीच में वो हॉस्पिटल्स नहीं आते, बट हम कैटेगरिकली ऐसा नहीं कह सकते कि निजी क्षेत्र किसी भी मामले को लेकर के खराब है और सरकारी क्षेत्र अच्छा है और सरकारी क्षेत्र को बहुत अच्छा होना चाहिए और निजी क्षेत्र को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें मूल मुद्दा यह है कि लोगों के जन स्वास्थ्य में सुधार कैसे हो, चाहे सरकारी क्षेत्र का हो व्यवस्था, चाहे निजी क्षेत्र का हो, तो दोनों के कंबाइंड प्रयास से भारत जैसे देश का विकास दोनों के कंबाइंड प्रयास से होगा। और मेरा इसमें यही मानना है कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से ही देश की स्वास्थ्य सुविधा में सुधार की संभावना है। अजय जी, हाल ही में आपने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, वो ऐसा आपने क्यों कहा था, इस पर कुछ बताइए। प्रधानमंत्री जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, ऐसे एक किसी ने पूछा इंटरव्यू में, आप ही के जैसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया, तो मैंने उनको बताया कि चूंकि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और वर्तमान प्रधानमंत्री जी का जन्म 1950 में हुआ है, ये दोनों के बीच में 2513 या 16 ऐसे आंकड़ों का हिसाब आता है, तो 2500 साल करीब करीब दोनों के जन्म के बीच में अंतर है। तो बुद्ध, भगवान बुद्ध एक राज परिवार से थे और राज परिवार में राजसत्ता को छोड़ करके वो सत्य की खोज में निकले, बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो और एक शांति का संदेश उन्होंने फैलाया और उसी का परिणाम है कि बौद्ध धर्म का विस्तार कई सारे विदेशों में भी हुआ। वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी एक सामान्य परिवार से होकर के सत्य की खोज के लिए बाहर गए, उन्होंने तपस्या की और अब फिर बाद में एक राजनीति के माध्यम से उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। तो शांति के क्षेत्र में, मैं शांति के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, 2500 साल के बाद हमें लगता है कि पूरा इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और एक शांति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी को नोबेल पुरस्कार मिलेगा, ये हमारा निजी विचार है, ये हमारा इंट्यूशन है, हमारी ऐसी मन की ऐसी भावना है। जिस तरह से परिस्थितियों को मैं देख रहा हूँ उसमें ऐसा लगता है कि नोबेल का शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। अजय जी, 2 अक्टूबर आने वाला है जो कि गांधी जयंती है और साथ ही साथ प्लास्टिक फ्री कैंपेन जो है वो चलाई जाएगी, तो प्लास्टिक फ्री कैंपेन के तहत आप क्या करने वाले हैं, क्या इसमें आप कोई नई चीज करने वाले हैं, क्योंकि प्लास्टिक भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करता ही है। जिस तरीके से प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक इफेक्ट करता है हमारे पूरे जीवन शैली की अगर बात की जाए तो।
मैडम प्लास्टिक तो अभी सरकार भी इस पर एक सकारात्मक रुख अपना रही है कि प्लास्टिक का, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग हो। असल में हुआ क्या है कि प्लास्टिक एक रोजमर्रा की वस्तु बन गई है, लेकिन इसके जो खतरनाक आयाम है जो आने वाली पीढ़ियों को तकलीफ देगी और हम लोगों के जीवन में ही तकलीफ आने वाली है, उसको देखते हुए इस पर थोड़ा कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 2 अक्टूबर को मैंने निर्णय लिया है कि 2 अक्टूबर की शाम में जो हमारे घर के बगल की मंडी, सब्जी मंडी होगी, वहाँ पे महिलाएं भी जाती है, बच्चे भी जाते हैं और सब लोग जाते हैं। तो मैंने निर्णय लिया है कि 2 अक्टूबर की शाम में मैं 2 घंटे थैला वितरण करूँगा, प्लास्टिक बैग की जगह थैला वितरण करूँगा। उसी के माध्यम से लोगों को अवेयर करूँगा कि ये प्लास्टिक को नहीं कहना है और जूट या कपड़े के जो थैले होते हैं इनमें ही हम सब्जी ले जाएं, क्योंकि शुरुआत से घर की हो, शुरुआत तो घर से ही होनी चाहिए। तो जब घर की महिलाएं सब्जी लाने जाएगी, क्योंकि महिलाएं ही संदेश वाहक होते हैं और बच्चे ही संदेश वाहक होते हैं, जब उन्होंने घर में निर्णय ले लिया कि हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है, फिर समाज में कोई प्रयोग करने से बाज आएगा। तो आप एक मुहिम चलाने वाले हैं जिसमें आप कपड़े और जूट के बैगों का, मतलब थैलों का वितरण करेंगे। जी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और न्यूज अपनी तरफ से यही चाहेगा कि जन स्वास्थ्य को जल्द से जल्द मौलिक अधिकार जो है वो मिल जाए और आपकी मुहिम सक्सेसफुल हो। निश्चित रूप से सबों का होना चाहिए, एक केवल अजय का कोई अभियान या मुहिम नहीं, और किससे इससे अजय प्रभावित नहीं है, बिल्कुल पूरा समाज प्रभावित है। आप लोगों को मीडिया का भी, जो लोग सामाजिक क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं, सबों के प्रयास से होगा, और जिस दिन ये होगा उस दिन निश्चित रूप से जन एक सामान्य आदमी के लिए बहुत बड़ा अस्त्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार से समाजसेवी अजय कुमार, जिन्होंने जन स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी है, जो पिछले 10 सालों से इसे मौलिक अधिकार दिलाने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं। आप अपनी राय इस पर हमें दे सकते हैं और आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डाउनलोड करें हमारी ऐप NY000Z, जिसमें आपको मिलेंगी आपके शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।